नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो अभी हम आपको ले चलते हैं गुमला बस स्टैंड से, नॉन स्टॉप बस माँ शक्ति से गुमला से रांची एक्सप्रेस। ठीक है, तो आज हम इस बस में चलेंगे और यह बस 8:05 में गुमला बस स्टैंड से खुलती है और 10:10 में पहुंच जाती है यह बस रांची ITI बस स्टैंड। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से पूरा रोड का मैं दृश्य दिखाऊंगा और मेरे लाइफ से जुड़ी हुई हर एक तरह की बातें इस वीडियो में आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। यदि आप इस वीडियो के द्वारा मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और इस रूट को भी अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो आप लगातार बने रहें इस वीडियो में। मैं बताऊंगा इस वीडियो के द्वारा कुछ अच्छी खास बातें, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो चलिए बने रहे लगातार। तो मैं सबसे पहले खुद बता दूं, मेरा नाम निरंजन साव ताम्रकर है। मैं झारखंड गुमला जिला डुमरी प्रखंड का रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई परमवीर अल्बर्ट टेक का चैनपुर में हुई है। पढ़ने के बाद मैं पढ़ाई के टाइम से ही व्यापार में जुड़ चुका हूँ। मेरा बर्तन का छोटे मोटे कारोबार है। मैं गांव-गांव घूमकर बर्तन बेचता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, मेरे माता पिता हैं, मेरा भाई है, मेरे 5 बहनें हैं और हम लोग कुल माता पिता भाई बहन मिलाकर 7 होते हैं। हमारे बच्चे भी हैं, 1 लड़की 2 लड़के। तो दोस्तों, मेरा शौक़ है इस तरह का कुछ वीडियो बनाना और YouTube में अपलोड करना। और मेरा एक दूसरा शौक़ है जो मैं जानता हूँ, उस काम को लोगों को सिखाना ताकि वे अपने घर की समस्या का समाधान खुद से कर लें। तो इस पे भी मैं बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ। और एक मेरा और एक दूसरा YouTube चैनल है रिपेयरिंग विथ निरंजन, जहाँ मैं लोगों को गैस चूल्हा बनाना, कुकर बनाना, मिक्सर बनाना, जार बनाना और बहुत से छोटे छोटे काम को सिखाता हूँ ताकि लोग उस काम को सीखकर अपने घर के सभी समस्याओं का समाधान कर सकें या उस काम को सीखकर व्यापार के रूप में काम को कर सके और अपना परिवार पालन पोषण कर सके। मैं नए नए जगह में घूमना पसंद करता हूँ, अच्छी अच्छी इस तरह की वीडियो बनाना पसंद करता हूँ और मस्त मूड में ज़िंदगी में खुशहाल रहना चाहता हूँ, टेंशन फ्री रहना चाहता हूँ। तो आज मैं रांची जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक डॉक्टर से मिलना है। मैं बता दूँ उस डॉक्टर का नाम, मैं डॉक्टर विनय कुमार ढंढनिया के पास जा रहा हूँ जो कि सेवा सदन के बगल में रहते हैं और वे शुगर स्पेशलिस्ट हैं, मतलब कि शुगर के मरीजों का इलाज उलाज करते हैं। तो मुझे कुछ जांच मिला है
तो उस जांच को करवा लिया हूँ। आज मैं रांची जाके रिपोर्ट को लूँगा। रिपोर्ट मुझे लेना है 1 पॉइंट से और दिखाना है डॉक्टर साहब को, तो उसे मैं दिखा कर फिर से लौटूंगा। तो मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, सुबह लगभग वही 6:15 बजे मैं हेलेन सुपर साया गुमला तक और गुमला से माँ शांति माँ शक्ति बस पकड़ा और रांची की ओर निकल पड़ा, क्योंकि 10 बजे शायद वह जो पैथोलॉजी है जहाँ पे जांच होता है वह खुलेगा और डॉक्टर भी रिपोर्ट देखेंगे 10 बजे से 12 बजे तक। तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और रिपोर्ट लूँगा, फिर डॉक्टर से मिलूँगा, डॉक्टर क्या बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं निकल चुका हूँ और आज के दिन रांची में टेम्पू रिक्शा ये सब नहीं चल रहा है, तो मुझे दिक्कत होगा और मुझे दिक्कत हुआ भी। मुझे रांची में ITI बस स्टैंड से रातू रोड जाने में बाइक मिला, ये बाइक था उसमें 2 हेलमेट लोग लिए थे, एक पहनाते हैं मतलब कि यात्रीगण को और खुद अब पहुंचाते हैं। तो वहाँ से मुझे 80 रुपये लगा ITI बस स्टैंड से रातू रोड जाने का, तो वहाँ तक मैं गया और ठीक उसी के बगल में है वही 1 पॉइंट, तो वहाँ मैं गया और वहाँ से पर्ची लिया और डॉक्टर को दिया। तो डॉक्टर पर्ची देखे और कुछ कुछ दवाइयाँ हमें मिला, तो फिर हम शाम को लौट गए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव के ठीक बगल में 7 किलोमीटर में डुमरी से बगल में बाबा टांगीनाथ धाम भी है, वहाँ हम लोग 4 महीना 6 महीना में एक बार जाते हैं दर्शन के लिए, और सावन में तो विशेष रूप से जाते हैं बाबा टांगीनाथ धाम दर्शन के लिए, और शिवरात्रि में भी उधर मेला लगता है। तो आज तो हम निकले हैं रांची के लिए और मैं सोचा कि जा रहा हूँ तो कुछ इस तरह का व्यू आपको दिखा दूँ, ताकि आप कहीं भी हों भारत के किसी कोने में तो गुमला और रांची का इस तरह का रूट देख लें और कैसा आजकल रोड तैयार हो रहा है और आने वाला समय में कैसा तैयार होगा उसे जान ले। तभी इस तरह का जानकारी मुझे देने में मज़ा आता है, तो और क्या बताऊँ मैं। तो मैं वीडियो बनाता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, और अभी मेरे एक YouTube चैनल जो है रिपेयरिंग विथ निरंजन, वहाँ 30,000 सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं और काफ़ी अच्छा अच्छा हमें कमेंट करते हैं, सुझाव हमें देते भी हैं और कुछ कुछ हमसे जानकारियाँ लेते भी हैं, और लोग अच्छी तरह से काम को सीख रहे हैं और काम को कर भी रहे हैं, और लगभग वही 50 लाख अभी के समय में व्यू है मेरा एक जो रिपेयरिंग का जो चैनल है उसमें। तो अगर आप लोग उस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारा एक और उस चैनल से जुड़िए, रिपेयरिंग विथ निरंजन। और इस चैनल पर भी आप नए हैं, यह हमारा चैनल है ब्लॉग का चैनल निरंजन साउथ ताम्रकर, जिस पे आप यह वीडियो जो देख रहे हैं, तो इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको देता रहूं। तो मैं जहां जहां भी घूमता हूं उस सभी जगह का वीडियो अपलोड करता हूं, ताकि आप लोग भी अगर कहीं जाते हैं घूमने तो उस रूट को भली प्रकार से देख सके समझ सके। तो दोस्तों
मेरा जीवन शुरू से ही काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। मैं 10 क्लास का पढ़ाई के समय से ही व्यापार में जुड़ा रहा। सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी के साथ गांव-गांव जाता था बर्तन बेचने के लिए। उस समय आज से 22 साल पहले घोड़ा से हम लोग जाते थे गांव-गांव बर्तन बेचने। घोड़ा रहता था एक आदमी, वो आदमी भार में बर्तन ढोकर जाता था और घोड़ा में ही बर्तन रहता था। तो हम अपने पिताजी के साथ में गांव-गांव जाते थे और गांव में ही रुक जाते थे और वहां बर्तन बेचते थे। बर्तन बेचने के बाद हम लोग लौटते नहीं थे, रुक जाते थे उधर, जिसको हम लोग देहात कहते हैं, क्योंकि मैं जात का ठठेरा हूँ, मैं आपको बता दूँ। और समय बीतता गया, साल दो साल भर हम इस तरह से घोड़ा में गांव-गांव घूम के बर्तन बेचे। फिर एक समय ऐसा आया कि बरसात का दिन था और जो गांव गए थे उस समय हम जुर्मू गांव गए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह डुमरी प्रखंड का ही एक गांव है जुर्मू, जो कि डुमरी से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बर्तन बेचते थे और रात को जब हम लोग रुके थे तो काफ़ी बारिश का दिन था और जहां हम लोग रुके थे वहां जो छाइन में जो बोलते छत, वहां काफ़ी भुआ था और कुआं का पानी पीना पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में मुझे मलेरिया हो चुका था। वैसा पानी पिया, खूब मच्छर उच्छर भी काटते थे और गंदा पानी पीने से भी बीमार मैं पड़ चुका था। तो भगवान से ही मनाता था, भगवान मुझे इस तरह से सहयोग करें, मेरी मदद करें कि मुझे भौरी करना ना पड़े। तो उसके बाद हम जब घर आए, उसके बाद मेरा इलाज उलाज हुआ, हम ठीक हो गए। उसके बाद मैं भौरी जाना बंद कर दिया। फिर मैं साइकिल से काम शुरू कर किया दोस्तों, साइकिल से काम शुरू किया। अपने साइकिल में बर्तन लाद लेता था और गांव-गांव घूमता था। उसके बाद समय के साथ लगभग साल दो साल मैं साइकिल से काम किया। उसके बाद मैं लिया एक टीवीएस चैम, आज से लगभग वही 20 साल पहले टीवीएस चैंप लिया। फिर उससे भी काम किया, काम करते 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 हम फिर से ले लिए बॉक्सर 80, उस समय निकला था शायद, इसको हम लिए थे 2005 में। बॉक्सर 80 लेने के बाद काम करते रहे करते रहे, फिर मेरा आर्थिक स्थिति थोड़ा थोड़ा ठीक होता रहा। फिर हम ले लिए पियागो टेम्पो। अब सोचा थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा बर्तन लेके काम किया जाए, तो समय के साथ पियागो टेम्पो में हम चलते रहे और काम करते रहे। उस समय मेरा शादी भी नहीं हुआ था 2005 में। फिर मेरा शादी वही 2005 के अंत में हुआ और हम मेरा शादी तो हो चुका और हमारा काम भी ठीक ठाक चलने लगा। मेरा घर भी छोटा सा है खपड़ा का, तो फिर काफ़ी समस्याओं से जूझने के बाद हम अपने घर के पुराने घर के बगल में एक ज़मीन लिए गांव के ही लोग से और उस ज़मीन में छोटा सा घर बनवाए। उसके बाद वहां पे रहने लगे और काम मेरा धीरे धीरे चलता रहा, धीरे 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 चलता रहा। उसके बाद लगभग 2020 तक हम पूरा टेम्पो को चलाएं। उसके बाद मुझे लगा कि अब इससे काम नहीं होगा क्योंकि टेम्पो कबाड़ा हो चुका था। तो फिर से हम ले लिए अभी 2023 में सुपर कैरी, पेट्रोल इंजन का गाड़ी है। ये सब आपको मेरा ब्लॉग में दिखेगा, देखिएगा। तो मैं उससे गांव-गांव घूमना शुरू किया। फिर उससे गांव-गांव घूमना शुरू किए, बाजार वाजार करते हैं। ये सब बाज़ार का भी आपको वीडियो मिलेगा मेरा इस चैनल में। तो उससे बाजार करते रहे, समय के साथ आगे बढ़ते रहे। मेरे बाल बच्चे हुए, वे सब अभी पढ़ रहे हैं। एक तो मेरा सपोर्ट करता है, दो लड़के मेरा सपोर्ट करते हैं,
काहे कि समय के साथ इंसान का जरूरत बढ़ जाता है। और मैं काम करता रहा और अभी मैं ठीक से काम धंधा कर रहा हूँ, और काफ़ी संघर्ष के साथ आगे बढ़ता रहा स्टेप बाय स्टेप। आज मैं अपना घर मकान बना लिया हूँ और बाजार उजार करता हूँ, तो इस तरह धीरे 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 इंसान आगे बढ़ता है। तो आप भी अगर छोटा सा कोई काम शुरू कर रहे हैं छोटा रूप से, तो उस काम को लगातार करिए, मैं तो बोलूँगा। और धीरे 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 सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बिना संघर्ष के जीवन में कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, संघर्ष ही जीवन है कहा भी गया है। तो इस तरह का बहुत सारा बात है, और अपना जीवन का गाड़ी अभी चल रहा है। आशा करता हूं कि आप लोग को इस तरह का मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो हमारे चैनल में आके देखिए। और व्यापार से जुड़े वीडियो देखना है, रिपेयरिंग से जुड़े वीडियो देखना है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि रिपेयरिंग विथ निरंजन यूट्यूब चैनल में आकर भी जुड़िए, जिससे आप छोटे छोटे अपने घर का काम खुद से कर सकते हैं। और कहने के लिए तो बहुत कुछ है बात, तो एक ही वीडियो में सारा कुछ बताना संभव नहीं है। जीवन में काफ़ी चुनौतियाँ आती रहती हैं, उसका भी सामना करना पड़ता है, तो हिम्मत से काम करें, कभी ना घबराएं, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। बस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहें, मैं यही आपसे कहना चाहूँगा। इस तरह हमारी यात्रा मंगलमय हो चुकी और हम ITI बस स्टैंड पहुंच चुके दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। तो देख सकते हैं इस तरह से हम उतर चुके हैं रांची ITI बस स्टैंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी तरह को वही बताए थे, टेम्पो रिक्शा नहीं मिल रहा है, तो किसी तरह किसी का बाइक में ही जाना पड़ेगा।